कॉन्सर्ट चल रहा था, डैड पर गाना लगा हुआ था, मैं सिर्फ परफॉर्म कर रहा था, क्राउड बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दे रहा था। मैं खैर ये देख कर जोश में आ गया और स्टेज से नीचे उतर के क्राउड में मिक्स हो गया। अब जब मैं स्टेज पे वापस आने के लिए भागा तो गेस व्हाट, सिक्योरिटी वालों ने मुझे पकड़ लिया और दबोच कर बाहर ले गए। जस्ट इमेजिन, अंदर मेरा कॉन्सर्ट चल रहा है और बाहर मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि भाई कॉन्सर्ट मेरा है। खैर फिर एडमिन वालों ने आके रेस्क्यू किया सम कॉन्सर्ट। आप इतने फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं, पॉपुलर भी हैं, गुड लुकिंग भी हैं, लाइफ में तो काफ़ी सारी लड़कियाँ होंगी आपकी, नहीं? आप चिट-चैट चलती रहती है लेकिन कोई इंटेंस रिलेशनशिप नहीं। लेकिन आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? पर अगर छोटा करके तो मैं बताऊं तो जो मुझे पसंद आती हैं उनको मैं पसंद नहीं आता, और जिन्हें मैं पसंद आता हूँ वहाँ मैं एक्सक्यूज कर लेता हूँ। ये तो छोटा वर्जन था, नाउ आई वांट द लॉन्ग वर्जन। निकी देखो, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ आखिर, ना मैं इतना बदशक्ल और कोर दिमाग हूँ कि लड़कियाँ मुझसे दूर भागें। हाँ, प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें हर किस्म के लोगों से मिलना जुलना रखा रहता है, और एक नॉर्मल इंसान की तरह जाहिरी बात है मेरी लाइफ में भी आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं एक फैमिली वाली, उसके बारे में बहुत सिखाया जाता है, और मैं खुद भी यही समझता हूँ कि मोहब्बत की असल हकदार आपकी बीवी है, यह हक सिर्फ उसे ही मिलना चाहिए। लेकिन शादी से पहले भी तो मोहब्बत हो सकती है। हाँ, कई मरतबा ऐसा होता है कि आपको कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि मोहब्बत हो जाती है। फिर क्या करना चाहिए? यूसी ने कि मैं लंबे चौड़े गेट टू नो टाइप फेज का बिलीवर नहीं हूँ। मेरे ख्याल से अगर आपको ज़िंदगी में कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाए और आपको ये लगे कि इसके बगैर ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी तो आपको शादी में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, कई मरतबा ऐसा होता है कि आप इस पोजिशन में नहीं होते या फिर हालात ऐसे नहीं होते के बाद शादी तक जा सके। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? तब मैं बैचलर्स कर रहा था, वी वर अबाउट द सेम एज। एक्चुअली हमारे पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो हम दोनों वेट कर लेते या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोक देते, और उस वक्त मैं किसी ऐसी पोजीशन में नहीं था कि उसको प्रपोज कर सकता। सब कुछ खत्म हो गया। आपको वेट करना चाहिए। उसके ऊपर शादी का बहुत प्रेशर था और मैं कम से कम 4-5 साल तक उसको किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं दे सकता था। उसकी फैमिली का बहुत प्रेशर था कि वो उस पर उसकी शादी फौरन करना चाहते थे। हम लोग रिलेशनशिप भी ख़राब होना शुरू हो गया था, बात बात पे झगड़ना शुरू हो गए थे। ऐसे हालात में यही मुनासिब समझा कि हम दोनों पीछे हट जाएं। उसको बहुत दुख हुआ होगा। हाँ जाहिर है, दुख तो होता है, हम दोनों को भी हुआ। लेकिन आई टेल यू, इंसान को अपने माजी में नहीं फंस के रह जाना चाहिए। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है और इसमें हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अब तो मुझे ऐसे लगता है कि हम दोनों का फैसला बिल्कुल ठीक था, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव थी। देखिए, जब आप किसी को चाहते हैं तो पोजेसिव हो जाते हैं। हाँ, पोजेसिव होना तो ठीक है, लेकिन वो बेतहाशा पोजेसिव थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो दो ही चीज़ें होनी थी, या अब तक हमारी शादी ख़त्म हो जाती या फिर मेरी ज़बान काट देती। कि ना ज़बान होगी, ना मैं गाऊँगा और ना कहीं जाऊँगा। वो तो ठीक है, लेकिन स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एक और कप चाय का बजाय जबान बच जाने की खुशी में एक नहीं दो कप हो जाए। वालेकुम सलाम जी। मिसेस गौर से मिलना चाह रहा हूँ मैं। आपका नाम? मेरा नाम बिलाल है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे नाम से नहीं पहचानते। आप उनसे किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? मैं एक मशहूर अखबार का इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर हूँ। सॉरी सलीम साहब,
वो किसी भी जर्नलिस्ट से नहीं मिलना चाहते। लेकिन मुझे उनसे कोई अखबारी काम नहीं है, मैं उनसे ज़ाती तौर पे मिलना चाहता हूँ। ओहो, जब वो आपको जानती ही नहीं तो फिर आप किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? वो उन्होंने मेरी एक दफ़ा जान बचाई थी, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या जी, आप उनको एक बता दें प्लीज़ कि मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ। चलें, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, लेकिन आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी से भी नहीं मिलती। अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया तो भाई सॉरी। आप प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई कर लें। नए साल की खुशियां मनाएं सिर्फ जियो फोन के साथ और हासिल करें लाखों रुपए के कैश इनाम। बस आपकी वो यू फोन से जो 1 नवंबर 2011 से इस्तेमाल नहीं हुई उसे 31 दिसंबर तक अपने फोन में वापस लगाएं। और शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। नहीं देखिए, थैंक यू। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले आप एक सड़क से गुजरी थी तो मुझे अस्थमा का अटैक हुआ था, आपने मुझे बर वक्त तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया था। जी, आपको बहुत सवेर अस्थमा का अटैक था, आपकी मोटरबाइक भी रोड के साइड पे। हाँ, ये वही है। मैं अब रिकवर करने के बाद काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं आपके पास आऊँ और आपका शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं नहीं आ सका और आज इसी मकसद के लिए मैं आपके पास आया। नहीं नहीं जी, ये तो हमारी जिम्मेदारी थी। मुझे वैसे खुशी होगी कि अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं। बस जी, आप दुआ करें, बहुत परेशानी में है। क्या मैं वजह जान सकता हूं आपकी परेशानी की? वो मेरे शौहर काफ़ी दिनों से गायब हैं, पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन किसी को भी गौहर के बारे में कुछ नहीं पता। गौहर? आप गौहर खां का जिक्र तो नहीं करें जिनका आजकल मीडिया में काफ़ी चर्चा है? जी, वो मेरे शौहर हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस सिलसिले में आपकी काफी मदद कर सकता हूँ। जी जी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। किंजा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि बिल्कुल ऐसा ही है। किंजा, तुम खुद अंदाजे लगाती रहती हो, अगर उन्होंने कुछ ऐसा करना हो तो वो क्यों नहीं कर सकते? वो तुम्हें डाइवोर्स भी दे सकते हैं, उनको तो किसी ने नहीं बांध रखा ना। वो मुझसे ना मुझसे बदला ले रहा है। कम ऑन किंजा, कभी पॉजिटिव होकर भी सोचा करो। और ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, तुमने आज लिपस्टिक भी नहीं लगाई हुई, और तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो? मेरी चलो पर बनी है तो मैं लिपस्टिक ही लगी हुई है। शट अप यार, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी ये फजूल बकवास सुन सुनकर। चलो उठो उठो, लिपस्टिक लगाओ और चलो फिल्म देखने चले। उठो उठो। अच्छा ठीक है, चेंज कर लेना। ओके। अशरफ इस शख्स गौहर खां का पता करो, जितने भी अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं सब पे फौरी रब्ता करो और पता करो कि गौहर खां कहाँ है। सर, उसको किसी ने मार ही ना दिया हो? नहीं, ऐसी बात होती तो अब तक पता चलते पाओ। तुम फौरन इसका सुराग लगाओ। ये कहाँ गया? तो फिर इलाका गर्म चला गया होगा। नहीं, अफगानिस्तान। खैर, तुम पता करो। क्या हुआ भाई? You're looking good. Really? Thanks. क्या सीन है भाई? क्या सीन है? कुछ भी सीन नहीं है भाई। किससे मिलके आ रहे हो या किससे मिलने जा रहे हो? अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही आज दिल कर रहा था। दिल कर रहा था? शुक्र है तुम्हारा दिल तो एक्टिव हुआ।
किसी बहाने तुम्हारे मुंह पे स्माइल आ गई। अच्छा एनीवे, आज शो की थीम क्या है? लव। तुम और लव, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। चलो लेट्स गो।